हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन ऊना में हिमाचल जूनियर कबड्डी टीम की चयन प्रक्रिया पर कबड्डी संघ ने सवाल उठाए हैं। खिलाड़ियों ने चयन में धांधली के आरोप चयनकर्ताओं पर लगाए हैं। जिला कबड्डी संघ ने कहा कि इस मामले को जल्द केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पास भी उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कबड्डी खिलाड़ियों के साथ किए गए इस अन्यायपूर्ण फैसले को वापस नहीं लिया गया तो जल्द उग्र प्रदर्शन करने पर भी विवश होना पड़ेगा। मेरी मांग है कि जद दी साडी नवी एसोसिएशन बनी भी कबड्डी फेडरेशन कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश हमेशा तबदेई दी धांधली होया करदी, किसी भी प्लेयर दी जायज रूप नाल सिलेक्शन नहीं होया करदी, सब दो नंबर सिलेक्शन होया करदी। टूर्नामेंट पहला खत्म होंदे सिलेक्शन बाद चो करके अपने भतीजे भूआ भाणजे सब वापस बात ते पाए जा रहे। जिहड़े साडे प्रधान गे सचिव गे कोष अध्यक्ष गे चेयरमैन गे सब इक फ्रॉड है। कोई कुछ नहीं कबड्डी खेलिया वा, जो सचिव के खुद एथलैटिक्स के प्लेयर गए, जो प्रधान गए एथलैटिक्स के प्लेयर गए, जो सचिव गए उन्हें कबड्डी से जीरो नहीं पता जी। बन के प्रधान बैठ के अपने सचिव बन के बैठे हुए कबड्डी को बिल्कुल नहीं, कबड्डी हिमाचल का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करता वा। सिलेक्शन हमेशा करते थे, पहला मैं खुद खेलिया वा जी, सिलेक्शन जी होंगी थी बड़ी हद एक या दो दिन सिलेक्शन दस देंगे, परंतु जी हूँ की सिलेक्शन है वो भी पच्ची पच्ची दिनों दस करते जिद करके अपने उनके रिश्तेदार कबड्डी खेल सकन। जी एसोसिएशन है उन्हें अज के बाद अज तक साढ़े किसी भी कबड्डी प्लेयर कोई भी सपोर्ट नहीं की, जो भी एशियाड खेल के आए हुए उन्होंने हमेशा कोई सम्मान नहीं किया, कुछ एक रुपये तक की सहयोग राशि दी उनका हमेशा अपमान ही किया गया वा। मेरी मांग है कि जी साडी कबड्डी एसोसिएशन है, एक तो थोड़े मोहरे होर गल रखना चाहता जी कि जी कबड्डी एसोसिएशन है भंग होगी भी, इन्होंने मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया वास्ते इलेक्शन रद्द करते गए थे, परंतु इन्हीं रद्द की डेट पर ही इलेक्शन करके अपनी अपनी जी हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की नवनिर्वाचित की। अगर इलेक्शन ही रद्द हो गए तो इन्हें कबड्डी एसोसिएशन किदा बनाती भी कागजा साढ़े को पूरे लीगल प्रूफ गए देख सकते हो कि सब कुछ लिखा हुआ है कि इलेक्शन रद्द हो गए हुए, परंतु इन्हें फिर भी अपनी इलेक्शन कराया अपनी मन मर्जी अपनी एसोसिएशन बना के हिमाचल के प्लेयर के जिन्हें प्लेयर है सबनों तंग करया कर दे। तो मेरी मांग है सीएम साहब से खेल मंत्री से उप मुख्यमंत्री से अनुराग ठाकुर जी से सतपाल सिंह से रजायदा जी से कि जिनी छेती हो सके इस हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन को भंग किया जाए कि जेडी सारी पावर है साडे डीएसओ स्पोर्ट्स ऑफिसर को दी जाए जो शिमले च गए या फिर उनके जो मैंबर गए अजय ठाकुर जी पूजा ठाकुर प्रियंका नेगी सिर्फ इस तीन प्लेयर को दी जाए जो उनके मैंबर बनन। सानू होर किसी प्लेयर पर कोई यकीन नहीं कि सब उनके चमचे बन के उनके अपने खास अपने प्लेयर सिलेक्शन कराते, कोई सानू किसी भी प्लेयर कोई सपोर्ट नहीं करे करते। हूँ भी साड़ी टीम खेल के आई बहुत अच्छा खेल के आई, सिर्फ उनका एक प्लेयर सिलेक्ट किया गया वा, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है, बाकी जिन्हें भी 12 प्लेयर सिलेक्ट किए थे पांच साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दो तीन कोच अपने खास गए, बाकी साडे प्लेयरां नूं बोलदे कि थोड़ी सिलेक्शन की जाए। एक साल अगर प्लेयर मर जाता तो एक साल का पूरा करियर खराब होता, एक साल से बच्चे कोई अनचाही सट लग जाए अगले साल नहीं खेल पाता तो प्लेयर का सारा ही करियर खराब हो जाता। साडी मांग है जी जी कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश है इन्हों जिनी जल्दी हो सके बर्खास्त किया जाए, अगर इस प्रकार नहीं किया गया कोई फैसला नहीं लिता गया तो असं ही थोड़े दिन रोस प्रदर्शन करना हिमाचल विच ते उन्ने विच रोस प्रदर्शन करके इहदे विरुद्ध धरनाबाजी भी की जानी। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।